Now, in this lecture, we will talk of word problems on HCF and LCM, जो हमने पिछले lectures में भी किया था उसको हम continue करेंगे और कुछ और important questions discuss करेंगे. तो obviously जैसे मैंने पहले कहा कि students find it a little difficult in such problems to decide कि हमें HCF निकालना है कि LCM निकालना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा वो ग्रेटेस्ट या लीस्ट या कुछ इस तरीके के वर्ड्स ढूंढते हैं जिनको वो आइडेंटिफाई करें, हाईएस्ट है या ग्रेटेस्ट है तो एचसीएफ सोचते हैं, या लीस्ट या स्मॉलेस्ट हो तो एलसीएम सोचते हैं, जो कि हर बार हम लोग ने देखा कि ट्रू नहीं होता है. अब ज़रा कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि और हम लोग की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो. ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है, थ्री पीसेज ऑफ टिम्बर 42 meters, 49 meters एंड 63 meters लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इंटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ. अब आपके पास टिम्बर मतलब लकड़ी, तो आपके पास तीन पीसेज हैं टिम्बर के जिनकी लेंथ क्या है, एक की लेंथ 42 है, एक की लेंथ 49 है लेट्स से, और एक की लेंथ है 63 meters. ये आपके तीन प्लैंक पीसेज हैं, ये 42 मीटर लॉन्ग है, ये 49 मीटर लॉन्ग है, ये 63 मीटर लॉन्ग है. अब इनको हमें डिवाइड करना है प्लैंक्स में, मतलब टुकड़ों में इन्हें तोड़ना है जिससे कि प्लैंक्स बन पाए. ठीक है, पर द कंडीशन इज सबकी लेंथ क्या हो, बराबर हो. मतलब इसको जब हम 42 को काटें प्लैंक्स में तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स मिल जाए हमें, 49 मीटर्स को जब हम प्लैंक्स में तोड़ें तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स मिल जाए, 63 मीटर्स को तोड़ें तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स मिल जाए. मतलब हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए लेट्स से हमने कहा 2 meter का एक प्लैंक हम काट रहे हैं, तो 42 मीटर्स का जो हमारा टोटल लेंथ है वो 22 मीटर्स के हिसाब से कितने प्लैंक्स में डिवाइड हो जाएगा, 21 प्लैंक्स. लेकिन अगर हम 2 मीटर का एक प्लैंक की लेंथ लेंगे तो देखिए 49 मीटर्स एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जब हम 2 मीटर्स के प्लैंक्स काटेंगे तो क्या होगा, 24 प्लैंक्स तो पूरे पूरे मिल जाएंगे लेकिन 1 मीटर हमारा बच जाएगा जो कि 2 मीटर का प्लैंक नहीं होगा. ये हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो भी हम लेंथ लें उससे ये पूरी तरीके से कुछ बचना नहीं चाहिए, एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स बनते रहें. वही हाल यहाँ होगा, 2 meters का अगर हम लेंगे तो 31 प्लैंक्स तो पूरे बन जाएंगे, 1 meter का पीस बच जाएगा, वो हम नहीं चाहते. ऐसे ही अगर हम देखें लेट से हमने 3 meters का ट्राई करा, तो 3 meters का करेंगे तो क्या होगा, 14 meters को 3 meters से डिवाइड करेंगे तो कितने प्लैंक्स बन जाएंगे, 14 प्लैंक्स, कुछ नहीं बचा हमारा. 49 मीटर्स के हिसाब से चलेंगे, देखिए यहाँ फिर प्रॉब्लम होगी, 16 प्लैंक्स तो पूरे पूरे निकल जाएंगे, 16 3 48, पर 1 meter का फिर बच जाएगा जो हम नहीं चाहते. अब 63 मीटर्स में तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 meters का लेंगे तो कितने प्लैंक्स बन जाएंगे, 21 प्लैंक्स. लेकिन हमारी कंडीशन थी कि तीनों में जो होना चाहिए इक्वल नंबर ऑफ प्लैंक्स बनने चाहिए और कोई भी पीस बचना नहीं चाहिए. तो ऐसे ही अगर हम 4 ट्राई करते हैं, 5 ट्राई करते हैं, तो ऐसा कौन सा लेंथ हम लें, लेट्स से एक्स लेंथ हमने ली, एक्स मीटर्स का एक एक प्लैंक बनाया जिससे कि यहाँ भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स निकल जाए, यहाँ भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स निकल जाए, यहाँ भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स निकल जाए. इसका मतलब एक्स की खासियत क्या है, एक्स इज कम्प्लीटली डिवाइडिंग 42, एक्स इज कम्प्लीटली डिवाइडिंग 49, एक्स इज कम्प्लीटली डिवाइडिंग 63. इसका मतलब एक्स इज अ फैक्टर ऑफ, x इज अ फैक्टर ऑफ 42, x इज अ फैक्टर ऑफ 49 एंड x इज अ फैक्टर ऑफ 63. तो x क्या हो गया, x इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 42, 49 एंड 63. और हम क्या सोच रहे हैं, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ का प्लैंक ढूंढ रहे हैं. मतलब x क्या हो गया, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, या फैक्टर को हमने क्या कहा था, डिवाइजर भी कह सकते हैं. तो 42, 49 और 63 का हम क्या ढूंढ रहे हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या HCF. बस अब जब हमें समझ में आ गया तो फिर हमें तो सिर्फ HCF निकालना है, वो हम आसानी से निकाल सकते हैं. तो 221 सा 37 जा 71 जा 77 जा एंड 71 जा 79 जा 33 जा एंड 31.
तो 42 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 7 पावर 1। इसी तरह 49 के प्राइम फैक्टराइजेशन इज 7 स्क्वायर एंड 63 इज 7 इंटू 3 का स्क्वायर। नाउ फॉर एचसीएफ हम क्या ढूंढते हैं, द लीस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ क्या हो गया इनका, कौन सा फैक्टर है जो तीनों में आ रहा है, वो देखिए सिर्फ 7 है, 7 तीनों में आ रहा है, तो 7 हो गया। अब इसकी लीस्ट पावर क्या है, लीस्ट पावर तो 1 है, यानी 7 मीटर। यानी अब इस क्वेश्चन को हम क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ प्लैंक इज 7 मीटर। 7 मीटर का अगर हम प्लैंक काटना शुरू करें तो हम पाएंगे कि तीनों ही जो लेंथ्स हैं वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगी, कोई भी पीस हमारा बचेगा नहीं, तीनों में एग्जैक्ट नंबर ऑफ मतलब तीनों में जब हम पीसेस निकालेंगे एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीसेस भी निकलेंगे, हर पीस की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो अब अगर इसी में हमसे पूछा जाता कितने प्लैंक्स हमने एक्चुअली कट किए, तो नंबर ऑफ प्लैंक्स की वैल्यू क्या होगी, 42 में से कितने प्लैंक्स कटेंगे 7 मीटर्स के, 42 डिवाइडेड बाय 7। इसी तरीके से 49 मीटर का जो टिम्बर था उसमें कितने प्लैंक्स कटेंगे 7 मीटर्स के हिसाब से, वो ये बताएगा। एंड 63 मीटर वाले टिम्बर में कितने प्लैंक्स कटेंगे 7 मीटर के हिसाब से, वो ये बताएगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने हो गए, 6 + 7 + 9, यानी टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने कटेंगे, 22 प्लैंक्स कटेंगे, ईच ऑफ लेंथ 7 मीटर। तो जैसे आपने इस क्वेश्चन में देखा कि क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं था, हमें सिर्फ एचसीएफ ही तो निकालना था, बट हमको ये समझना था कि हमको एचसीएफ निकालना है इसमें। ये जो हमें डेटा दिया था उसको हमें इंटरप्रेट करना था कि हमें एचसीएफ निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, वो एक बस हमारे लिए चैलेंज है। वो अगर हम इंटरप्रेट कर लेंगे क्वेश्चन को तो सॉल्विंग द क्वेश्चन इज नॉट एन इश्यू। ठीक है, लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the greatest possible length which can be used to measure exactly the length 7 meters, 3 meters 85 and 12 meters 95. ठीक है, अगर आपने ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन सुना हो तो ये वैसा ही है बिल्कुल। एक 7 मीटर का पीस है, एक 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है, एक 12 मीटर 95 सेंटीमीटर का पीस है। दिस इज 7 मीटर, दिस इज 3 मीटर्स 85 सेंटीमीटर और ये 12 मीटर्स 95 से। अब वो कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ दिस। अब हम ऐसे सोचिए, एक स्केल है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के स्केल है। अब हमने उसको स्केल को रखना शुरू किया, स्केल से रख रख के इसको मेजर करना शुरू किया, तो हम चाहते हैं कि जब हम स्केल रखें तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में ये भी मेजर हो जाए, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में ये भी मेजर हो जाए, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में ये भी मेजर हो। मतलब ये ना हो कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने लेट से 2 मीटर का एक स्केल लिया, तो 2 मीटर के हिसाब से ये 7 मीटर हम नहीं एग्जैक्टली मेजर कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि 3 बार मेजर करेंगे तो 6 मीटर पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर 1 मीटर बच जाएगा। अगर इसको चेक करेंगे तो दिस इज वॉट 3 मीटर 85, तो 1 बार तो पूरा हो जाएगा 2 मीटर का, फिर क्या बचेगा 1 मीटर 85 सेंटीमीटर, वो तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है या एग्जैक्टली मेजरेबल नहीं है 2 मीटर से। ऐसे ही 12 मीटर 95 सेंटीमीटर में क्या होगा, 2 मीटर के हिसाब से क्या होगा, 6 बार हमने मेजर कर लिया लेकिन 95 बच गया। ऐसे ही अगर हम कहते हैं कि 3 मीटर का हम अपना स्केल लेते हैं तो क्या होगा, 2 बार ये पूरा मेजर कर देगा, 6 मीटर तो पूरा हो जाएगा लेकिन फिर क्या होगा, 1 मीटर बच जाएगा। 2 बार में मेजर कर देगा लेकिन 1 बार में फिर पूरा मेजर नहीं होगा, वही इसमें होगा। तो ऐसा नंबर हम ढूंढ रहे हैं, ऐसी लेंथ ढूंढ रहे हैं जो इसको भी कंप्लीटली डिवाइड कर दे, इसको भी कंप्लीटली डिवाइड कर दे, इसको भी कंप्लीटली डिवाइड कर दे। मतलब वी आर लुकिंग फॉर अ नंबर एक्स विच कंप्लीटली डिवाइड्स 7 मीटर्स, 3 मीटर्स 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर्स 95 सेंटीमीटर। मतलब एक्स इसको डिवाइड करता है, मतलब एक्स क्या बन जाए, कंप्लीटली डिवाइड करें मतलब रिमाइंडर नहीं बचे, यानी x इज अ कॉमन फैक्टर, x इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टर्म्स। और हम क्या ढूंढ रहे हैं, सबसे ग्रेटेस्ट लेंथ
जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करे, मतलब एक्स फिर क्या हो गया, एक्स इज द एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 7 meters, 3 meters 85 centimeter, 12 meters 95 centimeter. तो इसका मतलब बेसिकली बस हमें क्या निकालना है, तीन नंबर्स का एच सी एफ निकालना है. अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मीटर सेंटीमीटर दोनों यूज हो रहा है, तो हम बेटर है कि क्या करें, इसको कन्वर्ट कर लें सेंटीमीटर में. 1 meter इज 100 centimeter, तो ये 700 centimeter. 3 meter 85 centimeter इज 385 centimeter, एंड दिस इज 1295 centimeter. क्या यूज किया हमने, 1 meter इक्वल्स टू 100 centimeter. ठीक है, तो इनका एचसीएफ अब निकालना तो बहुत आसान है. ऑल ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 5, ये तो दिख ही रहा है, तो 5 से ही स्टार्ट करते हैं. 5 1s are, 5 4s are, 0s are, then 5 2s are 10, 5 8s are 40, 7 4s are 28, 2 2s are, and 2 1s are. तो ये 385 जो हमें करना है ये भी 5 से डिविजिबल है. 5 7s are 35, 3 5 7s are 35, 7 11s are, and 11 1s are. अगेन 5 2s are 10, 2 5 5s are 25, 4 5 9s are 45. ठीक है, 259. ऑब्वियसली देखिए 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जा रहा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 3s are 21, देखिए 7 से जा रहा है, 7 3s are 21, एंड 4 7 7s are 49, ये 37 से जाएगा. तो देयरफॉर फैक्टराइजेशन तो हमने कर लिया, 700 इज व्हाट, 5 स्क्वायर 7 इंटू 2 स्क्वायर, 385 इज 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, एंड 11 की पावर 1, एंड 1295 इज 5 रेज टू पावर 1, 7 रेज टू पावर 1, एंड 37 रेज. HCF क्या है, HCF is the least power of the common factors, product of the least power of common factors. जो common factors हैं उनको निकालो, फिर उनकी सबसे छोटी power ले लो और उनका product कर दो. तो HCF में देखिए क्या है, 5 देखिए तीनों में आ रहा है, तो 5 हमारा common factor है. 7 देखिए तीनों में आ रहा है, 7 हमारा common factor है. अब 5 की least power क्या है तीनों में, 1 है. 7 की least power क्या है, 1 है. यानी हमारा HCF क्या है, 35 सेंटीमीटर. मतलब अगर हम 35 सेंटीमीटर, या ये कहें कि 35 सेंटीमीटर सबसे बड़ी लेंथ है जो इन तीनों ही नंबर्स को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर देगी. कैसे, अब देखिए जो 700 सेंटीमीटर है वो देखिए 35 से डिविजिबल है, कितनी बार में मेजर कर देगी, 35 2s are, यानी 20 टाइम्स में इसको मेजर कर देगी पूरी. इसी तरीके से 385 को जरा चेक करिए, 35 से 35 1s are 3 35 1s are, यानी 11 टाइम्स में उसको कम्प्लीटली मेजर कर देगी. और इसी तरीके से 1295 अपॉन 35, 35 3s are 105, तो 24 बचा 245, ये 7 टाइम्स चला जाएगा, 7 5s are 35 है, यस. तो कितना हो गया, 37 टाइम्स में इसको कम्प्लीटली मेजर कर देगा और कुछ भी बचेगा नहीं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम से मेजर कर देगा. तो 35 इज दैट ग्रेटेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट लेंथ विच विल डिवाइड दीज लेंथ इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, 35 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं जो तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे. ठीक है, ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the maximum number of students among whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and the same number of pencils. अब इसका मतलब क्या है? हमारे पास कितने पेंस हैं? 1001, और पेंसिल्स कितनी हैं? 910. ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे हम ले सकते हैं जिनमें हम ये पेन और पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड द कंडीशन इज कि
जो ये पेन्स हैं, अगर हम जितना पेन हम एक बच्चे को दे रहे हैं उतना ही पेन अब हर बच्चे को देना है, और जितनी पेंसिल हम एक बच्चे को दे रहे हैं उतनी ही पेंसिल अब हमें सब बच्चों को देनी। जैसे अगर हमने कहा कि 7 पेन्स हम एक बच्चे को दे रहे हैं, तो अब सारे बच्चों को कितना मिलना चाहिए, जितनों को भी हम बांट पाएँ सबको 7 पेन्स ही मिलने चाहिए, सच दैट ये पूरे 101,001 डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जैसे हमने कहा कि ये 10 पेंसिल्स हमारे बच्चे को दे रहे हैं, तो अब हर बच्चे को हमें कितनी देनी है, 10 पेंसिल ही देनी है, और ऐसे देनी है कि पूरे 910 पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। ये नहीं होना चाहिए कि जैसे हमने 10-10 बांटी और आखिरी में हमारे पास कुछ पेंसिल्स बच गई, या 12-12 हमने पेंसिल्स बांटी और एंड में हमने पाया कि कुछ पेंसिल्स बच गए जो नहीं है, सबको फिर एक अमाउंट ऑफ पेंसिल्स बटनी और सबको एक अमाउंट ऑफ पेंस बटनी। ये कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि दोनों को बराबर बराबर बटनी, कि अगर 7 पेंस बांट रहे तो 7 पेंसिल्स बांट रहे, ऐसा नहीं है। पेंस जितने भी बांटने हैं आपको ऐसे बांटिए कि पूरे 1001 डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और कुछ भी बचना नहीं चाहिए, सबको फिर एक अमाउंट ऑफ पेंस मिलने चाहिए। इसी तरीके से पेंसिल्स 910 पूरी बटनी है और ऐसे बटनी कि हर बच्चे को सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स मिले, फिर एंड में कोई पेंसिल बचनी नहीं चाहिए। जैसे कहने का मतलब अगर हम 12-12 से बांटना शुरू करें तो क्या होगा, 910 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12 7 ज़ा 84 7 0 12 5 ज़ा 60, 10 पेंसिल्स बच गए, मतलब 75 स्टूडेंट्स को तो 12 पेंसिल्स मिली, लेकिन फिर एक स्टूडेंट को क्या मिला, 10 ही पेंसिल मिली, उसको तो 12 नहीं मिली, तो ये अनइक्वल हो गया, ये नहीं चाहते हम। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जो 1001 को डिवाइड कर दे और 910 को भी डिवाइड कर दे। ठीक है, और दोनों को ऐसा एक वो नंबर क्या हो, दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे क्या होंगे, वो तो सेम रहेंगे, जितने बच्चे ये हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहेंगे हमारे, यहाँ जितनों को डिस्ट्रीब्यूट किया और यहाँ जितनों को डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जो 1001 और 910 दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हम सीधे सीधे क्या निकाल रहे हैं, HCF ऑफ 1001 एंड 910। अब देखिए इसका कैलकुलेशन तो बड़ा आसान है, 1001 ठीक किससे जाएगा, 13 7 ज़ा 91 9 13 7 ज़ा 91 11 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। इसी तरीके से 910 भी 13 से जाएगा, 13 7 ज़ा 0 7 10 ज़ा 2 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। तो देखिए 1001 कैन बी रिटन एज 13 raised to power 1 11 raised to power 1 7 raised to power 1, एंड 910 कैन बी रिटन एज 13 raised to power 1 7 raised to power 1 2 raised to power 1 एंड 5 raised to power 1। तो व्हाट इज द HCF, HCF क्या है, कौन से फैक्टर जो दोनों में कॉमन है, एक तो 13 है और एक 7, तो 13 और 7 हमारे फैक्टर्स, और इनकी लोएस्ट पावर अब हमें देखनी है, तो 13 की भी लोएस्ट पावर 1 है और 7 की भी लोएस्ट पावर 1 है, यानी 91 आया। अब इसका क्या मतलब है, हर बच्चे को सेम नंबर ऑफ पेन पेंसिल मिली, तो अगर मेरे पास x बच्चे हैं तो अगर x बच्चे को फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5 पेंसिल देता हूँ और 10 पेन देता हूँ, ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि ये सारे पेंस भी यूज हो जाएं, सारे पेंसिल्स भी यूज हो जाएं और x बच्चों में वो बट जाए। तो ज़रा चेक करिए क्या लिखा है, 91 इंटू 11 13 7 ज़ा 91 इंटू 11, और यहाँ पे क्या लिखा है, 13 7 ज़ा 91 इंटू 10। अब वो कह रहा है मैक्सिमम बच्चों को बटना चाहिए, तो बच्चे तो सेम है, तो मैक्सिमम बच्चे क्या हो गए, 91 बच्चे हो गए, और हमने क्या किया, देर आर 91 स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम हम बांट सकते हैं, और हर बच्चे को कितना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने हर बच्चे को, देखिए यहाँ 91 इंटू 11, मतलब हर बच्चे को 11 पेंस बांटे, और यहाँ क्या है 10, हर बच्चे को 10 पेंसिल्स बांटे, यानी 91 बच्चों में अगर 10-10 पेंसिल बांटेंगे तो 910 पेंसिल्स हो गए, और 91 बच्चों को 11 पेंस बांटेंगे तो देखिए 1000 पेंस हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ये पेन और पेंसिल, सो दैट हर बच्चे को सेम नंबर ऑफ पेंस और पेंसिल्स मिले, आर 91। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये सोचेंगे सेम नंबर ऑफ पेंस एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल, मतलब
हर बच्चे को जितने पेंस मिले उतने ही पेंसिल मिले, ये नहीं कह रहा। वो ये कह रहा है कि जितने पेंस मिले तो वो सेम हो, और जितनी पेंसिल्स मिले हर बच्चे को तो वो सेम हो, वो आपस में इक्वल हो, ये नहीं कह रहा वो। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके फिर से सुनेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज थ्री सेट्स ऑफ इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336, 240 एंड 96 बुक्स रिस्पेक्टिवली हैव टू बी स्टैक्ड इन सच अ वे दैट ऑल बुक्स स्टोर्ड आर सब्जेक्ट वाइज एंड द हाइएस्ट एंड द हाइट, this is height, height of each stack is same, how many stacks will be there? ठीक है, question समझते हैं। English की हमारे पास कितनी books हैं? 336 books हैं। Maths की हमारे पास कितनी books हैं? 240 books हैं। और science की हमारे पास कितनी books हैं? 96 books हैं। step 1, ठीक है, हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि 336 books को हम क्या करें, एक स्टैक बनाए, गट्ठर बनाए, ऐसे एक के ऊपर एक बुक्स रख के स्टैक बनाए। ऐसे ही मैथ्स की बुक्स का भी हम स्टैक बनाए, ऐसे ही हम साइंस की बुक्स का भी स्टैक बनाए। जितने स्टैक्स बनेंगे वो देखना पड़ेगा, ऐसे हम स्टैक्स बनाए। ठीक, ये सेकेंड स्टेप। अब हम चाहते क्या है कि हर स्टैक जो हम बनाए वो सेम सब्जेक्ट का हो, मतलब ये इंग्लिश के सारे स्टैक्स अलग हो, मैथ्स के सारे स्टैक अलग हो, साइंस के सारे स्टैक्स अलग हो। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश की बुक्स में मैथ्स की बुक भी रख देंगे या साइंस की बुक में मैथ्स की रख देंगे एंड सो ऑन, ये नहीं। एक स्टैक जो भी हम बना रहे हैं वो सब इंग्लिश का बने, इंग्लिश के सारे स्टैक्स बने, ऐसे ही मैथ्स के सारे स्टैक्स बने, ऐसे ही साइंस के स्टैक्स बने। और जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम, मतलब ये जो हाइट है हर स्टैक की वो सेम हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे साइंस का हो। हाइट का मतलब हो गया, हाइट का मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ स्टैक का मतलब हो गया नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, नंबर ऑफ बुक्स हर स्टैक में कितनी बुक्स हैं। अब इसमें देखिए एक चीज अजम्पशन ये हो गया है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हर बुक की थिकनेस सेम है, ये अजम्पशन हो गया है। तो हाइट ऑफ ईच स्टैक मतलब नंबर ऑफ बुक्स हर स्टैक में इक्वल हो, मतलब अगर मैंने इसमें पांच बुक्स रखी तो इंग्लिश के जितने स्टैक बनाऊंगा उसमें पांच बुक्स रखूंगा, मैथ्स के जितने स्टैक बनाऊंगा उसमें पांच बुक्स रखूंगा, साइंस के जितने स्टैक बनाऊंगा उसमें पांच बुक्स रखूंगा। अगर मैं 10-10 के स्टैक बनाता हूँ तो इसमें 10 स्टैक इंग्लिश की सारे स्टैक्स में 10-10 बुक्स होंगी, मैथ्स के हर स्टैक में 10-10 बुक होंगी, साइंस के हर स्टैक में 10-10 बुक होंगी। अब ऑब्वियसली सारे सब्जेक्ट की हमें स्टैक्स बनानी और हर स्टैक की हाइट सेम रखनी, इसका मतलब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि 336 को डिवाइड कर दें, क्योंकि इसमें से कुछ भी बचना नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें 10-10 का स्टैक बना रहे हैं तो 336 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 33 स्टैक्स तो पूरे बन जाएंगे, लेकिन 6 बुक्स का एक स्टैक बच जाएगा। अब इसकी हाइट तो देखिए सेम नहीं होगी क्योंकि हम तो 10-10 की बुक का स्टैक बना रहे थे, ये 6 बुक्स का ही स्टैक है। ऐसे ही अगर हम 10-10 बुक्स का स्टैक बनाएंगे तो ये पूरा पूरे बन जाएंगे 24 स्टैक्स, लेकिन यहाँ 96 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 स्टैक पूरे बनेंगे, लेकिन फिर 6 स्टैक्स का एक बन जाएगा, एक अनइक्वल साइज का स्टैक, ये नहीं चाहते। तो ऑब्वियसली अब आपको समझ में आ गया कि हम एक ऐसा नंबर x ढूंढ रहे हैं विच डिवाइड्स, विच डिवाइड्स 336, 240 एंड 96 कंप्लीटली। पहली बात तो यह है कि वो इन तीनों को डिवाइड करे जिससे कि हमारे स्टैक्स में अनइवन नंबर ऑफ बुक्स ना बच जाए, रिमाइंडर नहीं बचे। दूसरा, देयरफॉर एक्स इज कॉमन फैक्टर, क्योंकि तीनों को ही वो डिवाइड कर रहा है, मतलब तीनों ही फैक्टर है, तो 336, 240 और 96। और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स हर स्टैक में रखी जाए, तो इसका मतलब एक्स क्या बन गया, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर था ही, और हम एक्स की वैल्यू चाहते हैं मैक्सिमम हो, सबसे बड़ा नंबर हम ले पाए जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो उतना ही ज्यादा बुक्स हम रख देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 336, 240 एंड 96। ठीक है,
तो इसका मतलब तो हमें बस क्या निकालना है, हमें इसका एचसीएफ निकालना है तीन नंबर्स का, 336, 240 एंड 96। तो अब करना शुरू करते हैं। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 284 टाइम्स, 42 टाइम्स, 21 टाइम्स, 7 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। ये भी 2 से जाएगा, 1 ज़ा 2 ज़ा 0, 260, 230, 215, 35 एंड 51। इधर आइए, 96 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, तो 48, 24, 12, 6, 3 एंड 1। ठीक है, तो जरा इनको हम लिख लें। 336 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 1, 7 रेज टू पावर 1। सिमिलरली 240 इज 2 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 1। एंड 96 इज 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 1। अब इनका एचसीएफ क्या होगा? लीस्ट प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर्स। तो पहले कौन से फैक्टर्स हैं जो सब में आ रहे हैं? देखिए 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो 2 और 3 इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। अब इनकी लीस्ट पावर देखनी है, तो 2 की लीस्ट पावर क्या है? 4 है, और 3 की लीस्ट पावर 1 है। तो 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, 16 इंटू 3 इज 48। मतलब 48 वो नंबर है जो हम देखेंगे कि डिवाइड कर देता है 336 को भी, 240 को भी और 96 को भी। तो अगर आप देखें तो यानी हमारे नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक कितना हो गया? नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, हर स्टैक में मैक्सिमम कितनी बुक्स लगा सकते हैं? 48। 48 का स्टैक हम बना सकते हैं। ऐसा करने से हमारे पास सब स्टैक्स की लेंथ क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो अब जैसे 336 हैं, तो कितने स्टैक्स बना लेंगे इंग्लिश बुक्स के? नंबर ऑफ स्टैक्स अगर हमें निकालने हो, 336 डिवाइडेड बाय 48 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 48, इसमें कितने स्टैक्स बने? एंड 96 डिवाइडेड बाय 48, इसमें कितने स्टैक्स बने? तो चेक करिए, 48 वन्स आर, 48 टूस आर, 48 वन्स आर, 48 फाइव्स आर, एंड दिस इज 48 7, यस 7 टाइम्स। तो 7 प्लस 5 प्लस 2, यानी टोटल कितने स्टैक्स बने? 14 स्टैक्स बने, और हर स्टैक में कितनी बुक्स हैं? 48 बुक्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है, वर्किंग इज वेरी इजी, बस ये हमें समझना है कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। क्या मतलब है? वो कह रहा है कि हमारे पास एक सीलिंग है, सीलिंग मतलब छत, और वो रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, उसकी डायमेंशंस क्या है? लेंथ है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो पहली चीज तो हम क्या करें, इसको पूरा 70 मीटर में कर लें। तो 1500 प्लस 17, 1517 सेंटीमीटर है, और ये हो गया 900 प्लस 2, 902 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि हम अपनी सीलिंग पे क्या लगाएं? टाइल्स लगाएं। और वो टाइल्स किस शेप के हैं? स्क्वायर शेप के। ठीक है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। तो यानी लेट्स से हमने कहा हम स्क्वायर्स लगा रहे हैं, स्क्वायर शेप टाइल्स हैं हमारे, ऐसे हमने टाइल्स लगाने शुरू की। ठीक है, ऐसे ही हमने ऐसे लगाने शुरू की टाइल्स। ठीक है, ऐसे हम टाइल्स लगा रहे हैं। तो द क्वेश्चन इज कि कम से कम कितने टाइल्स हम लगाएं कि हमारी पूरी सीलिंग कवर हो जाए, और कोई भी टाइल ऑब्वियसली क्या हो, आधा अधूरा ना बचे। मतलब जैसे ये 1517 सेंटीमीटर, ये लेंथ कितनी है? 1517,
तो स्क्वायर शेप का टाइल्स है, तो जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी टाइल की। तो हमने कहा लेट से हम कहते हैं 10 सेंटीमीटर हमारी टाइल की स्क्वायर की साइड है। तो जब आप टाइल्स लगाएंगे तो देखिए 1517 को देखिए, अगर आप 10 से डिवाइड करें तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो कितना होगा 151 टाइल्स तो आप पूरे लगाएंगे। लेकिन अब 7 सेंटीमीटर की लेंथ बच गई, अब 7 सेंटीमीटर की लेंथ में तो 10 सेंटीमीटर का टाइल नहीं आएगा, इसका मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा, वो हम नहीं चाहते। इसी तरीके से 902 सेंटीमीटर हमारी ब्रेथ है, अगर हम 10-10 सेंटीमीटर के हिसाब से टाइल लगाएंगे तो कितने टाइल्स हमारे कंप्लीट आ जाएंगे 90, और क्या होगा 2 सेंटीमीटर की स्पेस बच जाएगी हमारी। अब 2 सेंटीमीटर की स्पेस में तो 10 सेंटीमीटर का टाइल नहीं आएगा, इसका मतलब तोड़ना पड़ेगा, ये हम नहीं चाहते। तो इसका मतलब हम क्या चाहते हैं कि एक ऐसा टाइल का लेंथ लें, साइड का ऐसा लेंथ लें जो 1517 को भी डिवाइड कर दे कम्प्लीटली और 902 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। तो हमने कहा लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर टाइल। ठीक, अब हम क्या चाहते हैं, एक्स की क्या प्रॉपर्टी चाहते हैं, एक्स शुड कंप्लीटली डिवाइड, शुड कंप्लीटली डिवाइड 1517 एंड 902, which means x should be factor of 1517 and 902. अगर दोनों का फैक्टर है देयरफॉर x क्या हो, should be common factor of 1517 and 902. अब सोचिए एक वर्ड उसने कहा लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। अब देखिए अगर कोई स्टूडेंट यहाँ लीस्ट सोच के एलसीएम की तरफ चला जाए तो ये क्वेश्चन देखिए गलत हो चुका है। अब यहाँ लीस्ट लिखा है तो द स्टूडेंट माइट थिंक कि एलसीएम का क्वेश्चन, जबकि एलसीएम का क्वेश्चन नहीं, उसने कहा स्क्वायर टाइल्स लीस्ट नंबर हो। अब सोचिए जितना बड़ा मेरा टाइल का लेंथ होगा एरिया होगा, जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ही एरिया होगा, तो जितना बड़ा एरिया होगा मेरे एक टाइल का उतने ही कम टाइल लगेंगे। जितना बड़ा एरिया होगा मतलब उतनी बड़ी लेंथ हो, और लेंथ हमारी क्या है x है, और x क्या है x इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ दिस। तो मतलब x हम हाईएस्ट वैल्यू ढूंढ रहे हैं कॉमन फैक्टर की जो 1517 और 902 को डिवाइड कर दे, क्योंकि x की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना ही एरिया बड़ा होगा हर टाइल का, और जितना बड़ा एरिया होगा टाइल का उतने ही कम टाइल लगेंगे हमारे। तो लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स के लिए x क्या हो, x हाईएस्ट हो। तो फिर x क्या बन गया, x इज HCF of 1517 and 902। अब देखिए लीस्ट लिखा था, अगर हम लीस्ट की तरफ चले गए होते तो हम LCM निकाल देते इन दोनों का, जो कि गलत होता, हमें एक्चुअली निकालना क्या था HCF। अब HCF निकालना हमारे लिए कोई बड़ा इशू नहीं है 902। अच्छा अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि जैसे हम इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे 1517 का, तो क्या करिए इसको छोड़ दीजिए, दूसरे को देखिए क्या उसका फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर पा रहे हैं। तो यस 2 लिखा है यानी इवन है, तो 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। ठीक है अब देखिए ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से ट्राई करिए, 7 6 42, 3 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 11 देखिए, देखिए 11 से जा रहा है, और हम 11 का डिविजिबिलिटी चेक भी कर सकते हैं 4+1 5, ऑड प्लेसेस पे जो नंबर्स उनका सम और जो इवन प्लेसेस हैं उनका सम, उनका डिफरेंस जो आए वो 0 या 11 से डिविजिबल हो। तो 4+1 5, 5-5 इज 0, 11 से जाएगा, 11 4 जा 44, 1 यानी 41 तो एक प्राइम नंबर है तो इवन से जाएगा। अब इसको देख के इसको सोचिए, अब ऑब्वियसली ये 2 से नहीं जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा तो ज़रा देखिए क्या ये 11 से जाएगा, 11 1 से 11 4, 11 3 से 33, 11 से भी नहीं जाएगा, तो फिर अब किससे ट्राई करें, 41 से ट्राई करें, तो 41 कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, 123, 28 बचा वो 7 टाइम्स जाएगा। अब 37 तो एक प्राइम नंबर है तो 37 वन ही टाइम्स जाएगा,
ये क्या हो गया 115 117 इज 41 इंटू 37 और 902 इज वॉट 41 इंटू 2 इंटू 11. तो फिर एच सी एफ इनका क्या हो गया, ऑब्वियसली 41 इज द ओनली फैक्टर विच इज कॉमन और उसकी हाइएस्ट उसकी लोएस्ट पावर क्या है 1 है, तो 41 सेंटीमीटर हमारा वैल्यू आ गया. अब एच सी एफ क्या था, ये तो एक्स था और एक्स क्या था, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द टाइल. तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वेयर टाइल क्या आ गया, हर टाइल जो हम लें उसकी जो साइड की लेंथ है वो क्या होनी चाहिए 41. ये सबसे बड़े साइज का हम टाइल ले सकते हैं और अगर हम सबसे बड़े साइज का लेंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स हमारे क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे या इनफैक्ट लीस्ट हो जाएंगे. तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालें, एरिया ऑफ सीलिंग अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल. ठीक, तो एरिया ऑफ सीलिंग क्या है, एरिया ऑफ सीलिंग है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ 1517 इनटू 902 डिवाइडेड बाय 41 इनटू 41 बिकॉज एरिया ऑफ वन टाइल क्या है ए स्क्वायर. ठीक है, तो अब क्या होगा, दिस कैन बी रिटेन एज, अभी हमने देखा 41 इनटू 37 एंड दिस इज 41 इंटू 22 अपॉन 41 इंटू 41. कैसे निकला, 1517 की वैल्यू यहाँ से ले ली, 902 की वैल्यू यहाँ से ले ली, तो 41 से 41, 41 से 41, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितने लगेंगे 37 इंटू 22, 22 इंटू 7 इज 154 एंड 76 81, यानी 814 टाइल्स हमारे लगेंगे. ये मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स हैं, कितने लगेंगे और ये कब होगा, जब हम लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल क्या लें 41 सेंटीमीटर, और 41 सेंटीमीटर वो लेंथ है जो लेंथ और ब्रेथ दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगी, कोई भी स्पेस नहीं बचेगी, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइल्स हमारे यूज हो जाएंगे. ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा. ठीक है.